ये काट रहा है पानी तो मरी तो सच में। अब ना हस्बैंड जी धो रहे हैं ना, मेरी बस की बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा ना हाथों पे दर्द हो रहा है। और ना अच्छा फसल होगा इस बार सीजन पे मटर का। हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक और अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के और एक नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे दिन के 12 बजे से, और हमारा लंच भी हो गया है ना। तो आज सुबह से ना हमने जल्दी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि ना कल रात को ना 1:30 बज गया था मेरे को कपड़े धोते धोते ना। आज सुबह हम लेट ही उठे थे। तो अब जा रहे हैं हम लोग ना इधर नदी की तरफ। तो मतलब जब से बर्फ पड़ी ना हम नदी की तरफ नहीं गए हैं। तो सर्दियों में ना जब बर्फ पड़ती है तो नदी का नजारा कुछ और होता है। और आप सभी को भी कुछ नए दिखाएंगे, जितने भी अभी हमारे साथ नए नए हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हैं ना, हमारे यूट्यूब फैमिलीज है ना, तो उनको हम नदी का व्यू दिखाएंगे। तो आप सभी को ना आज का मौसम दिखाते हैं। आज ना कल तो मौसम बहुत खराब था और आज मौसम साफ है, तो देखिए मौसम का व्यू। तो घर के पास तो बर्फ कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे ना आँख पे दर्द हो रहा है। तो चमक रही है बर्फ, बर्फ ना बिल्कुल चमक रही है ना, तो अच्छे से ना आँख खोल भी नहीं पा रहे। तो दिखाते ना आप सभी को धूप पे जो है बर्फ किस तरह से चमकता है। तो देखिए जो ये बर्फ है ना कैसे चमक रहे है। तो बर्फ पड़ के ना पहाड़ों का जो रौनक है ना और भी बढ़ गया है। जहाँ भी देखो व्हाइट 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 व्हाइट। तो ये देखिए, ये ना लोगों का खेत है जिस पे ना खाद ना ढक कर रखा हुआ है इस मिट्टी पे ना। तो बर्फ पड़ गया, तो देखिए ये बर्फ पड़ गया है ना, तो ये बर्फ पिघल जाएगा और पानी बन जाएगा ना। तो जितने भी यहाँ पे गोबर के ये खाद ये खाद ढका हुआ है ना, फिर ये खाद का जो रस है ना तो अच्छे से मिट्टी पे मिल जाएगा पानी पिघलने के बाद, बर्फ का पानी पिघलने के बाद। और ना अच्छा फसल होगा इस बार सीजन पे मटर का, तो आप सभी को भी दिखाएंगे। तो देखिए अच्छा हुआ जो बर्फ पड़ गया। सिर्फ ना ये जो यहाँ पे गुफाएं है ना, तो इसी साइड का जो पहाड़ है ना मतलब बर्फ पिघल गया है, क्योंकि ना यहाँ पे ना अच्छे से धूप लग जाता है, इसलिए सारे बर्फ पिघल गए। सिर्फ ऊपर का नहीं पिघला है, और इस साइड है क्योंकि इस साइड से ही धूप निकलता है ना, और इस साइड ना धूप अच्छे से नहीं लगता है, इसलिए ना इस साइड का सारा पहाड़ ना बर्फ से ढका हुआ है और बहुत ही अच्छा लगता है इस साइड का पहाड़। तो ना आप सभी को भी बर्फ दिखा दिखा कर ना हम लोगों ने शायद ऐसा लगता है ना बोर कर दिया है। तो ना आजकल कंटेंट भी नहीं है, फिर भी तो ब्लॉग बनाना तो जरूरी है ना, क्योंकि आप सभी जो है हमारे फैमिलीज है, तो आप सभी से जो है बातचीत करना तो बहुत ही जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो बात करना बहुत ही जरूरी है। तो अभी जो है ना हम लोग नीचे नहीं जाएंगे, नीचे जो है ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही है अभी इस तरफ ना, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, तो नीचे नहीं जाएंगे। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको नदी का व्यू कैसा हो रखा है अभी ना। इतनी धूप है ना फिर भी ना हाथ तो मेरे सुन्न हो गया बिल्कुल, बहुत ठंड हो रही है। चलो कैसा ठंड है ना, बहुत ही ज्यादा ठंड है। मैं भी ना रात के आए ना तो मेरे पैर पे दर्द हो रहा है, उंगली उंगली पे। मेरे तो हाथ ही सुन्न हो गए थे। ये मेरे हाथ को क्या हो गया है? चोर अजीब से नहीं होगी ठंड से कल रात के कपड़े धोके चौड़ी पर जैसे कस्तो कस्तो होगी। वैसे बहुत ठंड पड़ती है मेरा। आप सभी को नदी के पास से जाके नदी का व्यू दिखाना था ना, हिम्मत ही नहीं हुई फिर आगे वापस। अभी ना और एक ऐसे जगह जा रहे हैं ना, और भी हिम्मत ही नहीं होगा पानी छूने का। तो फिर क्यों नहीं लगाया?
करो, तो मिलिए तीनों बच्चों से, नमस्ते करो, प्रणाम करो। तो कल रिदम को मिलाया था ना, आज रिदम को जैसे क्या हुआ है रिदम? बुखार आ गया शायद इसको, चलो आज टुक लगा। तो ना मैं आप सभी को ना अनु से मिलाना भूल गई थी, तो मिलिए अनु से। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सभी? अब मैं भी ठीक हूँ, कल से तो मेरी तबीयत बहुत ही ठीक है, आज बस थोड़ा जुखाम लगा है तो गला भी खराब हो गया है। हाँ बुखार तो ठीक है ना, बुखार ठीक हो गया, जुखाम है फिर भी हमारे साथ जो है जारी है। तो खांसी भी है, तो मतलब खांसी जुखाम है ना, फिर भी अभी एक बोतल ना ठंडा लेकर पिया है इसने, मना कर रही थी ना फिर भी मान नहीं रही थी, ठंडा पिया था और बोल रही थी कि घर बैठ के क्या करना है, तो मैं भी जाती हूँ। तो अनु भी आई है हमारे साथ और कपड़ा उठा दिया है हस्बैंड जी ने। पहुंच गए हैं गुरुकुल। हाँ आज क्यों इतना ज्यादा पानी आया है? और ना यहाँ पे एक अंकल जी कपड़े धो रहे हैं, तो पानी नहीं लाई ना, भूल गई। पत्थर फेंक कर देखो तो हार्ड है नीचे, तो नीचे बर्फ है ऊपर पानी है। नीचे जो है ना कपड़े धोने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि ना वहाँ से पाइप जो है पूरे हॉस्टल के लिए लगाया है ना तभी, तो अब जो है हम लोग ऊपर की साइड आ गए हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा है, इतनी धूप में भी बहुत ज़्यादा, कैसे धोगे? बहुत ठंडा है, ओ नहीं बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है ये पानी तो। ये सुखाएंगे ना, लेकर नहीं जाएंगे, नहीं तो हाथ पे हवा लगेगा ना और ठंडा हो जाएगा। मैं आग जलाता हूँ, तो कैसा कैसा लग रहा है, पानी छूट गया हाथ से। हवा मत लगने दो ना, क्योंकि मजाक लाचे तो दुखी रहा छे, तो आने वाली बोली था लगला मेरे को पता है कि पिछले साल ऐसे दर्द होता तो मेरे हाथ में तुमसे रोई मैं बस कैसे कर दे। कल तो रिस जाएंगे के साथ उन्होंने छाल देने में ऐसा लगता है ना, आग के ऊपर ही रख दो, हवा चला ना ठंडा हवा, हवा से हो रहा है ज्यादा, पानी भी ठंडा है फिर पानी से हाथ नहीं कर रहा, हवा लग रहा है इसमें और भी ज्यादा। नहीं हवा नहीं चलती ना तो नहीं लगता था इतना ना, नहीं लगता लगने क्योंकि पानी चीज हो। अभी तो ऐसे हाथ से जब घर को जाना हवा की वजह से ऐसे होता है, सही जाएगा मरी तो सच में बिल्कुल लाल हो गया, पीछे से काला हो गया, ठंड से आगे से लाल हो गया। तो यहाँ पे ना स्पीति पे वैसे तो जगह अच्छा है रहने के लिए भी, बहुत ही अच्छा है, सर्दियों पे बहुत ही मुश्किल होता है, एक कपड़े धोने का मुश्किल, एक पानी का मुश्किल। अब ना हस्बैंड जी धो रहे हैं ना, मेरी बस की बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा ना हाथों पे दर्द हो रहा है, तो हाथ भी ना ऐसे हो गए, सीधे भी नहीं हो रहे। आपको नहीं लग रहा है? हाँ ये हो गए। हाँ ना मैं तो भूल ही गई थी तबीयत खराब है तेरा ना। तो धोते हैं ना फटाफट कपड़े, बहुत ही ज्यादा ठंड हो रहा है। क्या काम होता है, कैसा काम होता है, करना था तूने हेल्प? कोई और काम होता तो मैं हेल्प कर देती, पर ये कपड़े छानने के काम में हाथ भी नहीं डाल सकती। चल बच्चू तूने कल भी धोने हैं ना, तब देखूंगी कैसे धोती तू कल अपने कपड़े।
तो मैं तो खुद ही परेशान हो गई। हस्बैंड जी पता नहीं कैसे धोरे कपड़े, खत्म भी कर दिए। मैले तो नहीं रख रहे हो? साफ रखना भाई, नहीं रात भर साबुन लगाया जुर मैंने। देखा अब नहीं धो देखा इस तो बात है मोला पड़ने बीच जैसे पे रखो। भयंकर वाला ठंडा नु क्या बताओ तेरे को। देख मेरे भी अभी ये तो मैंने रिया और रिदम के टोटल धोए तेरे बिना का एक कोट। अभी तो चादर है। लेट हुआ ना ठंड, पिछली बार जनवरी में कैसा हाल हुआ था। फरवरी पे हो गए इस बार लेट हुआ है। और ना लेट तक ही रहेगा शायद। अब 45 था इस बार तो 24-25 से ज्यादा नहीं बढ़ रहे लगा ना। पर हवा चला ना ऊपर साइड पहाड़ों में बर्फ पड़ा है तो उसका ठंडा हवा आता है साथ में, तब ज्यादा ठंड हुआ। शुक्र है बचा दिया हस्बैंड जी ने ना लास्ट तक कपड़े छाले। और ना इतना अभी जो है मेरा हाथ ना ठीक है, इतना दर्द नहीं हो रहा है। तो हस्बैंड जी को ना बहुत ही ठंड लग रहा है तो जेब पे हाथ डाला है। और पानी भी ले जा रहे हैं हम घर को। अब जा रहे हैं हम घर की साइड। अनु उठा रही है टब। अनु को बोला था कि वहीं पे रख दे, कोई नहीं ले जाएंगे। तो बोल थे ना बहुत ज़्यादा ठंड है, टूट जाएगा। फिर हम लाए हैं टब को खाली घर, कल आएंगे कपड़े उठाने। कल तो कहाँ सूखेगा ना। जमीन वाला नहीं सूखेगा, सूखेगा। अब घर जाएंगे फटाफट, कुछ खाने पीने का मन कर रहा है तो देखते हैं। शेर है शेर। तो ये कुत्ता ना अभी बर्फ खा रहा था, मेरे को देख रहा है, मेरे को डर लग रहा है बाबा ने। तो ना हम घर पहुंच गए हैं। फिर जैसे कि आप सभी को तो पता है ना हम कपड़े धोकर आए थे, उसके बाद इतना ज़्यादा ठंड लगा। और ना हमने अभी तंदूर भी जला दिया, अभी ना शाम के 3:30 बज रहे हैं और हमने आग भी जला दिया है। तो ना बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा है ना, तो शाम के 3:30 बज रहे हैं अभी। तो फिर ऐसा होता है ना कि क्या खाने का मन कर रहा है, मतलब तो बहुत कुछ खाने का मन करता है ना। कभी खाना खाने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि पेट नहीं भरा है, क्या खाए क्या खाए। इसलिए हम बना रहे हैं गोलगप्पे और आप सभी को भी दिखाएंगे। काफी टाइम के बाद खा रहे है, ये देखे। तो ये रहा गोलगप्पे। तो हमने तेल रख दिया है गरम करने को। यह है खट्टा मीठा इमली पानी, इसे हम पानी में घोलेंगे और खट्टा मीठा पानी बनाएंगे इमली पानी। ये चटपटा पुदीना मसाला है तो इसे भी हम पानी में घोलेंगे। ठीक है, तू ना पानी बना और मैं गोलगप्पे फुलाती हूँ ना। अमरी तो जल रहे हमारे गोलगप्पे। बन गया तो ये तो हमारा तेल ज्यादा गर्म हो गया, इसको मतलब एकदम वो करना। अब नेक्स्ट टाइम वही डब्बा वाला लाएंगे ना गुम्फा की दुकान पे। तेल भी ज्यादा गर्म हो गया चल। तो जल्दबाज पे ना चना भिगोना भूल गए थे तो अगली बार चने के साथ बनाएंगे। ठीक है जसू, धन्यवाद। मतलब दुकान वाले ने लगा दिया ये है दुकान। चलो अनु तो ऐसा कर दे ले। चना आलू प्याज धनिया हरी मिर्च। अब ना मैं कर दी हूँ खाने की तैयारी। तो एक हफ्ते के बाद ना यहाँ पे चिकन आया है, कल सारा सूख गया था तो ना चिकन लाया है। तो ना अभी रात के 8:30 बज रहे हैं तो खाना भी बनाकर मैंने तैयार कर दिया है। तो खाने पे बनाया है चावल और जैसे कि आप सभी को पता है ना चिकन बनाया है साथ पे। तो ये हमारा चिकन।
तो अभी जो है ना 10 बजने के लिए 25 मिनट बाकी है, मतलब 9:30 ही हुए अभी, है ना। 25 मिनट है। तो हमारा खाना पीना भी हो गया है। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर, माइनस कम से कम 20 का टेम्परेचर है अभी इस टाइम ना। तो रिदम भी सोने की तैयारी पे खाना खा के। तो यही था हमारा आज का वीडियो, और आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।